दोस्तों, अगर आपका मल्टीमीटर खराब कंडीशन में है या फिर उसे आप फेंकने की सोच रहे हैं तो उससे पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना। हो सकता है इस वीडियो को देखकर आपके मल्टीमीटर में जो खराबी है वो ठीक हो जाए। ये मल्टीमीटर बिल्कुल न्यू कंडीशन में ही है मेरा, और इसको यूज़ करने के दिन ही ये ख़राब हो गया था। ख़राब कैसे हुआ ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स मल्टीमीटर में कब होती है, जब आप उसे बजर मोड में रखकर काम कर रहे हो और गलती से उसको डीसी या फिर एसी आप दे दें तो वो ख़राब हो जाता है। खास करके ये वाले तो ख़राब हो ही जाते हैं, बट जो कॉस्टली वाले होते हैं वो ख़राब बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन होता है, इसमें प्रोटेक्शन ऐसा नहीं होता है। अब कुछ केस में ऐसा होता है कि मल्टीमीटर रिपेयर हो जाता है और कुछ केस में रिपेयर नहीं होता हो पाता है। अब इसमें जो प्रॉब्लम आई वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। बजर मोड में रखा हुआ है, कभी कभी तो लगातार बजर इसमें बज रही है, और जब मैं इसको बजर मोड में चेक करता हूँ, देखिए बजर तो बज रहा है लेकिन एक्यूरेट ये रीडिंग नहीं दे रहा है। ये देख रहे हैं, अब ये बिल्कुल कंफ्यूज हो रहा है इस बजर मोड में, कोई भी यहाँ पर एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये बजर मोड इसका खराब है। अब इस केस में मल्टीमीटर के बनने के चांस कुछ हद तक होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम किस किस सेक्शन से आती है। हाँ, इतना है कि इसमें आईसी खराब नहीं है, क्योंकि भाई आईसी अगर खराब होती तो इसमें कोई भी फंक्शन काम नहीं करता, इसमें सिर्फ बजर मोड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसी को हम यहाँ पर चेक करेंगे। वैसे एक मल्टीमीटर और मेरा पहले ख़राब हुआ था, उसको तो मैंने रिपेयर कर दिया था, उसमें भी यही प्रॉब्लम थी, बट इसमें क्या प्रॉब्लम है तो खोलने के बाद ही पता चलेगा। और मल्टीमीटर को मैंने एक दिन ही यूज़ किया हुआ है, आप यकीन कर सकते हैं, सिर्फ एक दिन। वैसे मैं दूसरे मल्टीमीटर ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। अब यहाँ पर क्या है ना, अदर मल्टीमीटर की मैंने डिस्प्ले को इस तरीके से मॉडिफाई किया हुआ है, तो कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैंने इसको यूज़ करने के लिए जब निकाला तो उसी दिन ख़राब हो गया। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे रेजिस्टेंस इसमें लगी हुई हैं, और रेजिस्टेंस के यहाँ पर ख़राब होने के जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, और उन्हीं के ख़राब होने से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अचानक से जब आप इसको बजर मोड में हाई वोल्टेज देते हो तो रेजिस्टेंस ही इसमें ज़्यादातर ख़राब होती है। अब हमें ऐसी रेजिस्टेंस ढूंढनी है जो इसमें ख़राब कंडीशन में हो। आप में से कितने लोगों ने ऐसा मल्टीमीटर गलती से ख़राब किया है, कमेंट करके ज़रूर बताना। हो सकता है आप में से बहुत लोग ऐसे हों जिन्होंने स्टार्टिंग में ये गलती करी हो और ख़राब भी पड़ा हो। अब देखिए उस रेजिस्टेंस को हमने फाइंड करना है जिसमें यहाँ पर प्रॉब्लम है। या तो आप सारे रेजिस्टेंस को चेक करो या फिर एक ऐसी रेजिस्टेंस दे दो जिसमें एक ब्लैक डॉट है। तो यहाँ पर देखिए शायद आपको एक रेजिस्टेंस यहाँ पर नज़र आ रही होगी जो कि हल्का सा यहाँ पर धब्बा लगा हुआ है, यानी कि इसका जो हल्का सा है नंबर मिटा हुआ है, देख सकते हैं आप। देखिए 15 इसका नंबर 152 हो सकता है, हल्का सा 5 जैसा लग रहा है बीच वाला, यानी कि लगभग 1.5 किलो ओम की है रेजिस्टेंस। चलिए इसको चेक करते हैं हम अदर मल्टीमीटर से। इसको चेक करते हैं और लोकेशन यही रहती है, इसी सेक्शन में ही आपको वो रेजिस्टेंस मिल जाएगी जिससे बजर मोड से रिलेटेड प्रॉब्लम जिसमें आती है। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी ऐसा नहीं आ रहा है वैल्यू। ये कितने की है, ये 105 की है, तो ये ज़्यादा वैल्यू की है, और 152 में तो कुछ दिखाई नहीं कि 1.5 किलो ओम की है, तो इसको मैंने रेंज पे सही रखा हुआ है। अगर हम इसको इस पे रखते हैं और अदर को भी चेक करते हैं तो अदर की जो वैल्यू है वो तो सही दिखाई रही है, इसकी भी वैल्यू देखिए दिखा रहा है, इसमें ये भी वैल्यू दिखा रहा है। ये देखिए अगर हम चेक करें तो लगभग सभी की वैल्यू यहाँ पर दिखाई देगी। तो यही वो लोकेशन है जिसमें बजर मोड जब जब प्रॉब्लम करता है ना तो दिक्कत आती है। तो चलिए एक बार इसको मैं निकाल लेता हूँ। 152 नंबर की है। अगर मैं इस पॉइंट को शॉर्ट करूँ तो क्या होगा, तो एक बार शॉर्ट करके भी देख लेता हूँ। शॉर्ट करने के बजाय मैं एक वायर से जम्पर कर लूँगा, यानी कि शॉर्ट ही समझ लीजिए, शॉर्ट करके देख लूंगा कि इसमें कोई फर्क पड़ा कि नहीं। तो शॉर्ट कर लिया मैंने ऐसे ही, अब देखते हैं इसमें क्या फर्क आया है। देखिए फाइनली काम कर रहा है,
देखिए शॉर्ट करने के बाद प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस लगाना ज़रूरी है। वैसे बिना रेजिस्टेंस के भी ये काम बन रहा है, लेकिन 152 यानी कि 1.5 किलो ओम की रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो इसको ऑफ कर लेते हैं, यानी कि ये जो प्रॉब्लम है वो यहीं से है। वैसे असेंबली रेजिस्टेंस जब ख़राब होती है ना तो पता चल जाता है, उसमें एक डॉट सा लग जाता है, धब्बा लग जाता है, कटवट का निशान आ जाता है। तो मेरे पास एक बुक है रेजिस्टेंस की, इसमें सभी वैल्यू की छोटी छोटी रेजिस्टेंस हैं। तो मैं 1.5 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस है जिसमें इसमें से निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर 1.5 किलो ओम की रेजिस्टेंस मैंने निकाली है, ये 4 डिजिट वाली है। थ्री डिजिट में 152 उसका नंबर होगा और 4 डिजिट में 1501 होगा, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पर डिजिट की हैं तो इनमें अलग अलग नंबर्स होते हैं, ठीक है। 4 डिजिट में अलग होगा, 3 डिजिट में अलग होगा। यह हो रेजिस्टेंस और इसको मैंने रखा है इधर पे, और इसकी वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.48 जूल की 1.5 किलो की ही है। मल्टीमीटर में थोड़ा सा कम इसकी वैल्यू दिखाता है, एक्यूरेट कभी भी नहीं दिखाता है। तो उसको हम यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा बड़ी साइज की है, तो मैं इस एक्यूरेट साइज की तो मेरे को मिली नहीं। आप चाहें तो बड़ी वाली रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं मोड़ कर, बट यहाँ पर मैं इसको लगाऊंगा, थोड़ा सा ऐसे जुगाड़ करके ही लगाऊंगा क्योंकि ये एक्यूरेट तो लग नहीं रही। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ मुझे यहाँ पर करना ही पड़ेगा इसको लगाने के लिए, तो पहले लगा लेता हूँ। तो फाइनली इस रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पर लगा लिया है, थोड़ा सा नीचे करके इस तरीके से सोल्डरिंग कर लिया है। तो अब देखिए आपको चेक करके दिखाता हूँ। बिल्कुल एक्यूरेट। अगर हम कोई भी एक चीज़ चेक करते हैं इसे, यानी कि अगर मैं इसे नॉर्मली एक कैपेसिटर भी चेक करता हूँ तो वैल्यू ऊपर जा रही फिर जीरो पे आ जा रही, यानी कि बिल्कुल सही काम ये कर रहा है। अब कैपेसिटर को चार्ज हुआ होगा ये भी देख लेते हैं। तो ये देखिए कैपेसिटर चार्ज कितना हुआ है, बिल्कुल एक्यूरेट, बहुत अच्छी तरीके से ये काम कर रहा है। बाकी अदर चीज़ें तो ठीक ही हैं। ये देखिए सिर्फ बदर मोड का प्रॉब्लम था, वो हमने सॉल्व कर लिया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटी रेजिस्टेंस ना हो तो बड़ी वाली आप लगा लेना, किसी भी तरीके से वो भी काम करेगी 1.5 किलो ओम की। बाकी शॉर्ट करके भी काम बन रहा है, बाकी आप लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।